नमस्कार दोस्तों, ज्ञान शाला एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कैबिनेट मिशन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में संवैधानिक गतिरोध को दूर करने का निरंतर ब्रिटेन पे दबाव बढ़ता जा रहा था। इसी कारण वर्ष 1946 में उस समय के प्रधानमंत्री एटली ने भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों और संभावनाओं को तलाशने के लिए एक 3 सदस्यीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इसे ही कैबिनेट मिशन कहा जाता है। इस शिष्टमंडल में 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इस शिष्टमंडल के अध्यक्ष भी थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी एलेक्जेंडर। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इसलिए तीनों नाम आपको याद होना चाहिए। इस मिशन के 2 उद्देश्य थे। पहला, भारत को सत्ता हस्तांतरण और संविधान के निर्माण से संबंधित सिद्धांतों को तय करना। दूसरा, अंतरिम सरकार का गठन करना। शिष्टमंडल 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचता है। इसके बाद ये अपने इन 2 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उस समय के तमाम दलों और समूहों के नेताओं से बातचीत करता है और मई 1946 में ये अपनी योजना प्रस्तुत करता है। यानी ये आता है मार्च 1946 में और अपनी योजना मई 1946 में प्रस्तुत करता है। कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रस्ताव, इसने एक अविभाजित भारत की अनुशंसा की। मुस्लिम लीग काफी समय से भारत के विभाजन की बात कर रहा था और ये मांग कर रहा था कि पाकिस्तान का गठन किया जाए। मुस्लिम लीग के इस मांग को कैबिनेट मिशन अस्वीकार कर देती है। अगला, भारत की शासन व्यवस्था संघीय होगी। ध्यान दीजिएगा, क्रिप्स मिशन भी कहता है संघीय होगी और ये भी कहते हैं संघीय होगी। साथ ही कैबिनेट मिशन यह भी प्रस्ताव रखता है कि संघ के पास सीमित शक्ति होगी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मुस्लिम लीग हमेशा से चाहता था कि संघ के पास सीमित शक्ति हो, राज्यों के पास ज्यादा से ज्यादा शक्तियां हो। तो इसमें यह प्रावधान भी किया गया कि भारत की शासन व्यवस्था संघीय होगी, जिसमें संघ के पास सीमित शक्ति होगी। संघ रक्षा, विदेशी मामले और संचार पर नियंत्रण रखेगा तथा शेष शक्तियां प्रांतों तथा देशी रियासतों के पास होगी। अब आप मोतीलाल नेहरू समिति की रिपोर्ट को याद कीजिए, वहां केवल अवशिष्ट शक्तियों पर लड़ाई थी कि इसे राज्यों को दे दी जाए। यहाँ तो सारी शक्तियां राज्यों को दे दी गई, केवल रक्षा, विदेशी मामले और संचार को छोड़ के। मुस्लिम लीग इससे काफी खुश थी, इस प्रावधान से। अगला, संविधान सभा का गठन प्रांतों तथा देशी रियासतों से उनकी जनसंख्या के अनुपात में की जाएगी। जो ब्रिटिश प्रांत हैं, वहां के सदस्यों का चुनाव वहां की विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रीति से किया जाना था, जैसा कि आजकल राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। और देशी रियासतों के सदस्यों को वहां के प्रमुख यानी कि जो राजा थे उनके द्वारा मनोनीत किया जाना था। प्रस्तावित संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे, जिनमें से 292 सदस्य भारतीय प्रांतों से, 4 मुख्य आयुक्त के राज्यों से तथा 93 देशी रियासतों से चुने जाने थे। उस समय का भारत 2 भागों में बटा था, एक ब्रिटिश भारत और दूसरा देसी रियासत। ब्रिटिश भारत को भी 2 भागों में बांट सकते हैं, एक प्रांत जहां गवर्नर होते थे उनके माध्यम से शासन व्यवस्था देखा जाता था, दूसरा कमिश्नरी, आज के संदर्भ में केंद्र शासित प्रदेश समझिए, जहां पे कमिश्नर होते थे और वो प्रशासन को देखते थे। ऐसे 4 कमिश्नरी थे, दिल्ली, कुर्गा, बलूचिस्तान और अजमेर, मारवाड़। 11 प्रांत थे। तो ये प्रांत में विधानसभाएं हुआ करती थी और प्रांतों से जो सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनका निर्वाचन विधानसभा के जो सदस्य थे वो करते। तो इस तरह देखा जाए तो ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य होने थे। वहीं देशी रियासत के लिए मनोनयन का प्रावधान किया गया था। जो 389 सदस्य निर्धारित किए गए थे उनमें 296 सदस्य ब्रिटिश भारत के लिए थे और 93 सदस्य देशी रियासत के लिए थे। ब्रिटिश भारत में से भी 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के लिए थे और 4 सदस्य कमिश्नरी के लिए थे, यानी दिल्ली, कुर्गा, बलूचिस्तान और अजमेर, मावाड़ के लिए एक एक सदस्य। अगला, प्रांतों को 3 समूहों में विभाजन किया गया था, समूह क, समूह ख और समूह ग। समूह क में मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार और उड़ीसा शामिल थे, ये हिंदू बहुसंख्यक प्रांत थे। समूह ख में पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और सिंध शामिल थे, ये मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत थे और भारत के उत्तर पश्चिम में अवस्थित थे। समूह ग में बंगाल और असम शामिल थे, ये भी मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत।
थे। अब जो संविधान सभा बनता उसमें समूह क ख ग प्रांतों के सदस्य प्रांतों का संविधान बनाने हेतु अलग अलग विचार विमर्श कर सकते थे। यदि संभव हुआ तो समूहों के लिए संविधान निर्माण का प्रयास भी इन्हें करना था। मुस्लिम लीग मानती थी कि ये अनिवार्य प्रावधान है, जबकि कांग्रेस मानती थी कि ये स्वैच्छिक प्रावधान है कि समूहन किया जाए या ना किया जाए। बाद में ब्रिटिश सरकार ने भी स्पष्ट किया कि ये स्वैच्छिक प्रावधान है। अगला, सत्ता हस्तांतरण के बाद देशी रियासतों के से संबंध सर्वोच्च शक्ति ना ब्रिटेन के पास होगी ना भारत के पास। भविष्य में 552 देशी रियासत जो उस समय थे उनका क्या स्थान होगा, इस विषय में ये संविधान सभा से बातचीत करेगी। देशी रियासतों को अपना भविष्य स्वयं तय करना था कि वो संघ में शामिल होना चाहते हैं या अपना अलग अस्तित्व रखना चाहते हैं। अगला, ध्यान दीजिएगा, सांप्रदायिक प्रश्नों का मुद्दा हमेशा से उस समय छाया रहता था कि सांप्रदायिक प्रश्न जो होंगे उनका हल विधानसभा या केंद्रीय विधानमंडल में कैसे किया जाएगा। केंद्रीय व्यवस्थापिका में सांप्रदायिक प्रश्नों का हल समुदाय के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के सामान्य बहुमत से किया जाएगा। अगला, सभी दलों की सहायता से एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा जिसमें सभी विभाग भारतीयों के पास रहेंगे। क्रिप्स मिशन रक्षा विभाग अपने पास रखने की बात करता है किंतु ये सभी विभाग भारतीयों को देने की बात करता है और वायसराय की शक्तियों को सीमित करने की बात करता है और इसे तुरंत लागू करने की बात करता है। इसी कारण गांधी जी और कांग्रेस इसे अपेक्षाकृत अच्छा मानते थे और उन्होंने इसे स्वीकार किया था। अब इस पे आधारित प्रश्न को देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो मार्च 1946 आंसर हो जाएगा। तो विकल्प क्या है, सी, मार्च 1946, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन में तीन सदस्य थे, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। ये यूपीपीसीएस का पूछा गया प्रश्न है। पहला विकल्प है पैथिक लॉरेंस थे, यही अध्यक्ष भी थे, और दूसरे सदस्य थे एबी अलेक्जेंडर, और तीसरे सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, यानी विकल्प सी एबी अलेक्जेंडर भी सही हो जाएंगे और डी स्टेफोर्ड क्रिप्स भी सही हो जाएंगे। बी जो है विलियम वुड, ये कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे। तो ये क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कौन शामिल नहीं थे, तो आंसर हो जाएगा विलियम वुड, यानी कि विकल्प बी। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए और बताइए कि कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं या हैं। पहला विकल्प जो पहला है वो है इसने एक संघीय शासन व्यवस्था की सिफारिश की, बिल्कुल सही है, संघीय शासन व्यवस्था की सिफारिश इन्होंने की थी। दूसरा, इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया। कैबिनेट मिशन वस्तुतः संवैधानिक गतिरोधों को दूर करने के लिए था, इसमें भारतीय न्यायालयों से संबंधित कोई बात नहीं हुई थी, तो दूसरा विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा, इसने आईसीएस में और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किया, यानी आईसीएस में और अधिक भारतीयों को शामिल करने की बात कही, तो संवैधानिक गतिरोधों से संबंधित होने के कारण कैबिनेट मिशन आईसीएस पे भी कोई बात नहीं करता, तो तीसरा भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है। अब कोड देखते हैं, पहला विकल्प दिया गया है केवल एक, हमारा आंसर भी यही हो जाएगा केवल एक, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, तो विकल्प ए क्या हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन जब भारत आया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। याद कीजिए 1940 से लेकर 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं अबुल कलाम आजाद, तो आंसर हो जाएंगे अबुल कलाम आजाद। और क्योंकि कैबिनेट मिशन जो है 1946 में आया था, मार्च 1946 में, और उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष होते हैं अबुल कलाम। तो पहला विकल्प है जेबी कृपलानी, ये नहीं होंगे। दूसरा विकल्प है सी राजगोपालाचारी, ये भी नहीं होंगे। तीसरा विकल्प है जवाहरलाल नेहरू, ये भी नहीं होंगे। चौथा विकल्प है अबुल कलाम आजाद, ये सही हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।